पाकिस्तान की क्रिकेट का मजाक खुद ये बनाते हैं। 10वें ओवर में जाके पहली बाउंड्री लगी है, आप अंदाजा लगा लें कि किस प्रेशर से खेल रहे थे उनकी सी टीम के खिलाफ। हमें तो ये व्हाइट वॉश करना चाहिए था, वनडे तो हमने जीते हैं, ये तो उनकी पूरी टीम भी नहीं है, बॉलिंग नहीं है, बैटिंग नहीं है, उसके बावजूद हम लोग इनसे T20 सीरीज हार गए हैं, ऐसी टीम से तो हम क्या करेंगे। आपकी T20 की टीम एक घटिया टीम है। आप कल इंडिया ने क्या किया यार, 283 भाई, क्या कहोगे छोटे ग्राउंड से। पावर की हमारी बैटिंग लाइन में जरूर कमी नजर आ रही है और वहां दूसरी टीमें जो हैं T20 के अंदर, अभी कल हमने मैच देखा है 284 स्कोर बनाया साउथ अफ्रीका के अंदर भारत ने, तो यहां पे लोग ट्रेवल कर रहे हैं, इस तरफ क्रिकेट जा रही है, लोग 300 को टच कर रहे हैं 20 ओवर के अंदर। अगर आपसे ये भी मोहसिन साहब नहीं होते तो फिर आपको क्रिकेट खेलने, एक तो आप मोस्ट थर्ड क्लास पैथेटिक, वेरी वेरी डिस्टर्बिंग टू द आईज टू द इयर्स। अभी रोहित शर्मा ने और विराट कोहली ने वर्ल्ड कप के बाद T20 छोड़ दी है, तो क्या फर्क पड़ा उनकी टीम में ये तो बताएं। वो संजू सैमसन और तिलक वर्मा जो मार मार के उसने बुरा हाल किया हुआ है, वो तो भाई उनके पास प्लेयर्स भी हैं। हम कहते हैं भाई बस बल्ला हाथ में घुमाई जाओ। दोस्तों नमस्कार, ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को सेकंड T20 में हरा कर ये सीरीज अपने नाम कर ली है। 148 रन भी चेज नहीं कर पाई पाकिस्तान, इतनी गंदी बैटिंग की है इन्होंने। रिजवान जो कप्तान है इस टीम का, वो तो टेस्ट इनिंग खेल रहा था, उस रोज एक चौका भी नहीं लगा पूरी इनिंग में, आखिरी में आगे उसने एक चौका मारा उसके बाद वो आउट हो गया। इनका ये हाल देखे कि इन्होंने 10 ओवर तक एक भी बाउंड्री नहीं लगाई थी इस मैच में। वनडे सीरीज जीतने के बाद पाकिस्तान के लोग बहुत चौड़े हो रहे थे कि हम ऑस्ट्रेलिया को T20 में भी हराएंगे, लेकिन हुआ क्या, उल्टा पूरी तरह हार गए दोनों मैच। और वो तब है जब ऑस्ट्रेलिया की टीम में इनके 5 से 6 मेन प्लेयर नहीं है, क्योंकि वो BGT की तैयारी कर रहे हैं इंडिया के खिलाफ। अगर वो होते इसमें तो पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह हरा। दोस्तों इतनी शर्मनाक हार के बाद पाकिस्तानी मीडिया बहुत भड़की हुई है इनके ऊपर, क्योंकि उनको अपने इन घटिया प्लेयर से बड़ी उम्मीद रहती है, बाबर और रिजवान से, दोनों ही फेल हो गए इस इनिंग में। असल बात तो यह है कि बाबर और रिजवान की T20 में जगह बनती ही नहीं, लेकिन ये लोग जबरदस्ती खिला रहे हैं इनको, इनकी हिम्मत ही नहीं है उनको टीम से बाहर निकालने की। और अभी अगले हफ्ते इनको जिम्बाब्वे खेलने के लिए जाना है और मुझे लग रहा है कि वहां भी ये कम से कम 2 मैच तो जरूर हारे। उस सीरीज में इन्होंने अपने कई प्लेयर्स को बिठा दिया। डिसअपॉइंटमेंट, जिस तरह वनडे सीरीज हमने खेली थी, उम्मीद लगाई थी कि T20 में भी वैसे ही कमबैक नहीं हो पाया। मुझे तो पूरी उम्मीद थी, जैसे वनडे सीरीज जीती थी T20 में तो हम बिल्कुल ही करीब नहीं लगने देंगे, लेकिन उनकी सी टीम ने हमारी पूरी टीम को करीब नहीं लगने दिया, डोमिनेट परफॉर्मेंस दी ऑस्ट्रेलिया ने और कमबैक स्ट्रांगली किया। लेकिन आप आज का मैच देखें कि पहले आप 3 ओवर देखें, हमने क्या बॉलिंग की है, उन्होंने क्या बैटिंग की है, उसके बाद हमने थ्रू आउट किस इंटेंट के साथ बैटिंग की है। क्या हम लोग वो अब T20 में भी 60-70 पे आउट होते तो हमने जीतना था, 140-147 हम नहीं कर सके, जहां पे बॉलर पे बॉलर ने उनको पकड़ा है, या एक टाइम पे ऐसे लग रहा था 180 हो रहा है 190 हो रहा है, और हारिस रऊफ ने अच्छी बॉलिंग की, अब्बास ने, लेकिन बैटिंग जैसे करनी चाहिए थी वैसे की नहीं। 10वें ओवर में जाके आप देखें कि पाकिस्तान की क्रिकेट का मजाक खुद ये बनाते हैं, 10वें ओवर में जाके पहली बाउंड्री लगी है, आप अंदाजा लगा लें कि किस प्रेशर से खेल रहे थे उनकी सी टीम के खिलाफ। हमें तो ये व्हाइट वॉश करना चाहिए था, वनडे तो हमने जीते हैं, ये तो उनकी पूरी टीम भी नहीं है, बॉलिंग नहीं है, बैटिंग नहीं है, उसके बावजूद हम लोग इनसे T20 सीरीज हार गए हैं, ऐसी टीम से तो हम क्या करेंगे। कामरान, पाकिस्तान की टीम दावे और जो एनालिसिस है ना हमारे, वो गलत साबित करती है। सबने कहा था कोई एक वनडे नहीं जीतेंगे, 3 में से 2 जीत गए, सबने कहा कि T20 सीरीज जीतेंगे, T20 सीरीज हार गए। जी बिल्कुल ऐसे ही है शायद भाई, मेरे ख्याल से अब हम लोगों को दावे करने नहीं चाहिए, हम लोगों को ये कहना चाहिए कि बस हमारी टीम ऐसा करेगी नहीं, परफॉर्मेंस कोई अच्छी दिखाएगी नहीं, फिर अच्छा करेगी। तो डेफिनेटली कोई एक बंदा नहीं कह सकता था कि ऑस्ट्रेलिया में जाके हम लोग वनडे सीरीज जीत जाएंगे, कोई मैच जीत जाएंगे, लेकिन जैसे ही होप बनती है, जैसे ही कोई उम्मीद होती है कि अच्छी क्रिकेट हमारी सही डायरेक्शन में जा रही है, कुछ डिसीजन बेहतर हो रहे हैं, एकदम से ऐसे ब्लंडर मारते हैं, ऐसे डिसीजन लेते हैं, कोई समझ नहीं आती क्या हम लोग करने जा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि जो वनडे सीरीज है ना, ये हमें भूलनी पड़ेगी, हम इस चीज में ना हम लोग रहे, सेलिब्रेट करते रहे, T20 सीरीज भी गुजर जाए, मैचों की तरफ ध्यान हो, मुझे लगा वही है कि अभी तक वो एंजॉय कर रहे हैं वनडे सीरीज, और उस जीत से हम लोग बाहर नहीं निकल रहे। मेरा ख्याल अब यही कहना चाहिए कि पाकिस्तानी टीम ने जीतना होगा जीत जाएगी, हारना होगा हार जाएगी, उनपे छोड़ देते हैं हर चीज। मतलब यार मुझे मैं ना जब पाकिस्तान की बैटिंग आने लगी ना,
जब पाकिस्तान बैटिंग करने आना था, दरमियान में मिड इनिंग्स आई, तो मैंने कहा चलो 10-15 मिनट की ना मैं नैप ले लेता हूँ, थोड़ी देर में सो जाता हूँ। एकदम मेरी आंख खुली, बाबर रिजवान ओपनर, मेरी नींदें उड़ गई। मैंने कहा कि तू आगे वापस, आपकी T20 की टीम एक घटिया टीम है। आप कल इंडिया ने क्या किया यार, 283 भाई, क्या कहोगे? छोटे ग्राउंड थे, क्या कहोगे? हैदराबाद की फ्लैट विकेट थी? और नहीं भाई, साउथ अफ्रीका के बड़े ग्राउंड में जाके साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में उन्होंने 250 मारा है। अब क्या कहोगे? साउथ अफ्रीका की सी टीम थी, डी टीम थी, क्या कहोगे? मतलब अपनी गलती नहीं माननी। और दुनिया ट्रेविस हेड, जॉस बटलर, सूर्या कुमार यादव पे चली गई है यार। आपके ओपनर जब तक 50 बॉलें जाके टिप टिप नहीं करते, उनको समझ नहीं आती कि विकेट कैसा खेल रहा है। ये आपको बेवकूफ बनाते रहे हैं पास्ट में। ये आपके रिजवान बाबर आपको पिंडी की फटे विकेट पे आके कहते थे कि विकेट मुश्किल खेल रहा है। फैसलाबाद के डोमेस्टिक टूर्नामेंट में जब ये 100 कर देते थे तो आके कहते थे कि विकेट बड़ा अच्छा है, और जब इनसे चेज ना हो तो फैसलाबाद के फटे सीधे विकेट को कहते थे विकेट बहुत मुश्किल है। बेसिकली रिजवान बाबर जिन बच्चों को बेवकूफ बनाना चाहते हैं ना, वो बेवकूफ बन भी जाते हैं, क्योंकि वो 16-17-18 साल के हैं, वो उन्होंने नहीं अभी इतनी दुनिया देखी। बहुत ही गंदा मैच खेला है पाकिस्तान, पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है दूसरे T20 इंटरनेशनल में भी, और पाकिस्तान टीम जो है वो 133 रन पर फारिग हो गई, चलती बनी। इनको तो मुर्गा बना के मारना चाहिए, मुर्गा बना के डंडा गर्म करके, ये जितने लॉइंस पॉइंट्स हैं, कहा था ये पाकिस्तान यहाँ से भी फंबल करेगा। एक एक 5 विकेट जॉनसन को दे दिया आपने, अबे 50 कर लिया तो मैच खत्म हो गया है, 50 करके मैच खत्म हो गया था। ओए वड्डा हीरो बन रहा, तेरे बाले में 9 रन दस्ते, अभी एक छक्का चौका। और मोहसिन साहब, आप मुझे कोई बंदा बेवकूफ नहीं बना सकता, ये जान के आप गोइंग हार्डर में, यानी यहां से कान नहीं पकड़ना, यहां से जाके कान पकड़ेंगे। और लानत है यार, अगर आपसे ये भी नहीं चेज होता, शर्म से डूमर है, या क्रिकेट खेल रहे हैं आप? वो नसीम शाह 44 रन अंडा, वो शाहीन शाह कितने रन, 39 रन अंडा, बीच की बॉल पे बोल्ड, वो देखें, इनमें इतनी अक्ल नहीं है, रन आउट हो गया। ये क्रिकेट खेल रहे हैं आप लोग यार, कोई तो हया होनी चाहिए, कोई तो शर्म होनी चाहिए, कोई तो गैरत होनी चाहिए। कोई गैरत नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं। ये 148 भी नहीं हुआ, ये मैच जीता हुआ आपकी प्लेट में था। मोस्ट थर्ड क्लास पथेटिक, वेरी वेरी डिस्टर्बिंग टू द आईज, टू द इयर्स। आपकी शक्ल जो है ना, ये देखने का दिल नहीं करता इस टीम की। भाई आप में अकल समझ है थोड़ी सी, ये नहीं है बस रेलू कट्टे की तरह शॉटे मारनी है। यही प्रॉब्लम है हमारी क्रिकेट के अंदर, हमारी बैटिंग में यही प्रॉब्लम है। हम सिचुएशन को समझते ही नहीं है। हम कहते हैं भाई बस बल्ला हाथ में घुमाई जाओ, चाहे 10 रन चाहिए, चाहे 50 रन चाहिए, बस घुमाई जाओ। तो अभी रोहित शर्मा ने और विराट कोहली ने वर्ल्ड कप के बाद T20 छोड़ दी है, तो क्या फर्क पड़ा उनकी टीम में, ये तो बताएं। वो संजू सैमसन और तिलक वर्मा जो मार मार के उसने बुरा हाल किया हुआ है, वो तो भाई उनके पास प्लेयर्स भी हैं, उनके पास प्लेयर्स खेलने वाले भी हैं, हमारे पास क्या है।